सो हे गाइस, मैं हूं कौशल और आज हमारा व्लॉग है नंबर 9। आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे, मैच लगाएंगे। पर एक ट्विस्ट ये है, पहला मैच हमने कहाँ लगाया था, सेंटर वाली पिच पर, ठीक है, जो ओरिजिनल पिच थी हमारी। दूसरा मैच हमने लगाया था कहाँ, सीमेंटेड पिच पर। और तीसरा मैच लगने जा रहा है हमारा, ये जो होम ग्राउंड जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे ओपन नेट्स लगाते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये पिच है, राइट। अभी आपको पिच की कंडीशन वगैरह सब हम बताएंगे, अभी पहले मेरे पर फोकस किया जाए कैमरामैन। तो आज दो टीम्स हमारी डिवाइड हो चुकी हैं। पहली टीम में हूँ मैं, अंश एंड मोहित, और हमारा पाहुल। पाहुल से आप मिल चुके होंगे, इसकी तरफ कैमरा किया जाए जरा, नमस्ते। अब जो दूसरी टीम है उसका कप्तान है हमारे हार्दिक शर्मा एंड हार्दिक गुरचेतन, क्या नाम है, आर्यन भैया और अंश के भैया, जिनका डेब्यू होने लगा है हमारे ब्लॉग में, जिनका नाम है मयंक। आप उन्हें मयंक अग्रवाल नहीं, मयंक अग्रवाल मत समझना, पोलार्ड समझ सकते हैं आप उनको, रसल समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पावर हिटर हैं और आते ही चौके चक्के की करते हैं। उनको कोई समझते हो टेक्निक वगैरह की कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है, ना उनको ज़रूरत है, सिर्फ शॉट्स मारने। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए टॉस की तरफ। सो वी आर हियर फॉर द टॉस एंड आज हम मैं नाम ही बोल जाता हूँ यार, हार्दिक एंड अंश हमारे कप्तान है, ठीक है। ओवर कितने वैसे, हेलो रुक जा। सो वी आर रेडी फॉर द टॉस। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अंडर 15, सॉरी सो वी आर रेडी फॉर द टॉस। आपको एक चीज बता दें, 15 ओवर का मैच होने जा रहा है, 4 बंदे हैं, ओवर 15 लिमिट हमारे है कि एक बॉलर 5 ओवर करा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की हमारी यहाँ पे गेम लगेगी। सो ये है सिक्का 5 का, हमारे पास इससे ज्यादा हम ले ही नहीं सकते थे, पीछे हो जाइए प्लीज। एंड कौन लेगा सिक्का, इसके लिए भी टॉस करते हैं, चलो। टेल्स इज द कॉल एंड द रिजल्ट इज हेड्स इज बैटिंग। सो हमारे बंदे एक बार हम इनसे पूछ लेते हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू चूज, वी वांट अ बैट फर्स्ट। ओके, सो 15 ओवर के मैच में हमारे लिए जो कि 50 ओवर्स का है, ये बैटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी इस चीज को लेके? Yeah, the pitch is looking very nice. It's good for betting. Yeah. That's okay. Right. Okay, so any changes in the team? Every change. So you aap kya kehna chahenge? Oh, aga tu da passe ho. Oh, nahi nahi chalta rahe the. Aap kuch kehna chahenge? No, thank you. नहीं, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप भी पहले बैटिंग करना चाहते थे ऐसा मुझे लग रहा है। ना बैटिंग नहीं करना चाहते, फील्डिंग करना चाहते थे। सो आप फील्डिंग ही करना चाहते थे, जो दोनों टीमों के पहले मतलब सोचा था कि हम ये करेंगे उन्हें वही मिला है, इससे अच्छा टॉस का रिजल्ट क्या हो सकता है। सो वी विल सी यू इन द बैटल फील्ड। तो एंड में मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। सो आप हाथ मिला सकते हैं एक बार। एंड अंश अरोड़ा विल हैव द बॉलिंग। और यहाँ पर हमारी जो दूसरी टीम है, जो बैटिंग टीम है, वो तैयार हो रही है। स्ट्राइक पर कौन आएगा? यार मेरा दिल नहीं कर रहा, ये मुझे भेज रहा है। इस टीम की हालत, ये इस टीम का नहीं है पीछे। ये 3 इस टीम के और चौथा बंदा भी आया नहीं है, वो अपने बाइक पे आएंगे पूरे मस्त। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वार्म अप हो रहा है जोरों शोरों से, क्योंकि क्रिकेट में एक फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी चुस्ती के साथ रनिंग कर रहे हैं। एंड द मैच इज गोना स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अंपायर आ गए हैं, कीपर खड़ गए हैं, बैट्समैन दोनों रेडी हैं, दोनों हमारी साइड्स पर। और ये बहुत बेहतरीन चौका। हार्दिक रन आउट करवाया आपने, कैसी फीलिंग है? ओ कैप्टन, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए अपने बॉलर का। मुझे ठंड लग रही है, उम्र है, दिखते नहीं आधे मैच में। और ये मैन कटिंग करते हुए हमें अपील, क्लियर अपील नहीं है, क्या पता वार्निंग मिली हो।
और ये अंपायर ने तो आउट दिया है। यहाँ पर लड़ाई होती हुई, लड़ रहे हैं। बैट्समैन कह रहा है आर्यन जाते हुए और मैं आता हुआ, मिसकंडक्ट हो गया था वहाँ पर, गलती से आउट हो गया मैं। मुझे लगा था वार्निंग मिलेगी पहली पर नहीं मिली, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कैच छोड़ा एक और, एक्शन बदलते हुए हर बारी, और इस बारी फिर पेड़ ने बचा लिया। वो कैच आया, ओ हो चौथा कैच, वो भी टप्पा दे चल गया पर। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ करो। स्पिनर ऑन द बॉट साइड अटैक वाइट, सो हे गाइज देयर इज एन अपडेट जो कि हमने कहा था। पहले हमने सोचा था पहली इनिंग्स दूसरी इनिंग्स मैच खत्म, जैसे कि T20 होता है 50 ओवर्स होते हैं, बट हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके एज ए टेस्ट मैच बना दिया है कि इसमें क्या होगा, ओवर 15 ही होंगे, ठीक है, ओवर होंगे 15, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जैसे पहली 15 ओवर में फर्स्ट इनिंग्स में जितने स्कोर मारे, दूसरी में हमने मारे, अगर उनसे ज़्यादा मार लिए तो गेम कंटिन्यू होगी, राइट, दे कंटिन्यू होगी, और उसके साथ साथ जितना कि हमने लीड ली वो फिर उनकी इनिंग्स आएगी और फिर से हमारी आएगी, समझ रहे हो, टेस्ट मैच वाला हिसाब है, बस ओवर लिमिटेड है, लिमिटेड ओवर्स का टेस्ट मैच हम कुछ लगा रहे हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी इनिंग्स टेस्ट मैच की जो कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा दूसरी जोड़ी उतर चुकी है दूसरी इनिंग्स में, ये देखिए स्ट्राइक लेंगे हमारे अंश अरोड़ा और नॉन स्ट्राइकर रन पर हमारे हैं मोहित कुमार, मिडल विकेट पर हमारा मिडल विकेट का गार्ड लेकर खड़े होते हुए अंश अरोड़ा पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, पर जीरो गेंदे दो रन, गेंद नीचे रहती हुई, वाइट बॉल, ओ कॉटन बोल्ट का मौका था पर कैच छूटा, क्या हम कह सकते हैं मैच छूटा क्या अब ये बड़ी बारी में तब्दील कर पाएंगे, क्या ये 50 से ऊपर का स्कोर मार पाएंगे, काफी सवाल है हमारे पास। कैच, क्या शॉट है, और पेड़ ने रोका, चौका तो नहीं होगा, क्या दो रन मिल पाएंगे, और ओवरथ्रो के चल के बाद इसी के साथ दूसरे ओवर में ही स्पिनर इन टू अटैक, हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वही वो करना चाहते हैं क्योंकि रिजल्ट भी उन्हें वही चाहिए जो हमने पाया था, इनफैक्ट उससे भी अच्छा चाहिए। हमारे कीपर आ चुके हैं बिना किसी पैड्स के, बिना कोई ग्लव्स के, शॉट, अरे बहुत अच्छा शॉट, चार रनों के लिए अच्छा शॉट, शॉट पर वहां पर हार्दिक शर्मा नाचते हुए, दो ओवर बाद 9 स्कोर, 9 मतलब 9 है, 0 नहीं है, इतने भी बुरा नहीं खेलते हम, फ्रेम में आएगा, ओए बैट जल्दी घूमता हुआ, एक और वाइड, ओ यस और फ्रंट फुट पे गए, कैच चढ़ गया है, देखते हैं क्या होता है, और इसके साथ विकेट मिलती हुई पहली गेंद, ओ ओ सिंगल के लिए, ओ वाइड गेंद, तीसरी गेंद आती हुई वाइड, ओ कैच ड्रॉप, मयंक अरोड़ा ने कॉटन बोर्ड का मौका छोड़ा, ओ ओ मोहित कुमार भी पवेलियन में वापस आते हुए, फील्डिंग में खुशी का माहौल, राहुल चड्ढा आते हुए स्ट्राइक पर,
मोहित की विकेट के बाद। ओ आप हमारा ड्रेसिंग रूम देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है ग्राउंड में। शुभम कौशल स्ट्राइक पर, ओ सिंगल के लिए, ओ ओ सिंगल के लिए भागते हुए शुभम कौशल स्ट्राइक पर आए तो कप्तान ने कीपर नो कर दिया। 25 रन हो गए। चौथी गेंद एक वाइड आई सी, बढ़िया डिफेंस शिवम कौशल द्वारा। सिंगल के लिए भागते हुए फिर, ओ कट खेलते हुए, ओ बैक फुट डिफेंस, ओ भारी किनारा, ओ 7 ओवर की समाप्ति पर 33-2। 8वें ओवर में फिर मयंकर अरोड़ा अटैक में आते हुए, देख ओ 8वें ओवर की चौथी गेंद, ओ शॉट लगाते हुए, ओ कॉट एंड बोल्ड का चांस, बाहुल चड्डा वापस आते हुए पवेलियन में। शुभम कौशल अकेले रह गए बैटिंग में। यहाँ पर ट्रेल पूरी होती है, अब लीड शुरू होगी। एक सिंगल से स्टूडेंट हैं एक मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी है। 1 रन की लीड होती हुई हमें, माफ कीजिएगा अब गाइस, शुभम कौशल की विकेट रिकॉर्ड नहीं हो पाई पर आउट हो गए बोल्ड होते हुए शुभम कौशल। 5 रनों की लीड। सो इसी के साथ हमारे 4 रन की कुछ लीड हुई और मैं आउट हो गया, मेरा ध्यान थोड़ा गलत हुआ और विकेट पे बॉल लगी वगैरह वगैरह। अब दूसरी इनिंग शुरू होने लगी उनकी टीम की, तो वो जितने का टारगेट देंगे फिर हमने उतने चेस करने होंगे। टेस्ट मैच के रूल समझते हो ना बस। तो अब दूसरे फ़ोन से थोड़ी वो सब होएगी रिकॉर्डिंग, तो थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आया, तो प्लीज़ स्किप मत करना या कर भी देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये देखिए गाइस, ये हमारे क्रिकेट के बीच कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए मोहित, मेरा नया नया शौक चढ़ा इनको। So, bye. तो what's up guys? अभी हमारी थर्ड इनिंग शुरू होने वाली है। इन्होंने सिर्फ हमको 4 रन की लीड दी है। थर्ड इनिंग हमारी वैसे, चलो कैमरा मैन चेंज हो गए हैं, सभी कुछ फील्डिंग लगा दी है, अभी थर्ड इनिंग चलो शुरू करते हैं। बैटिंग करने हैं मयंक पाजी, विदाउट कोई पैड, विदाउट एनी गार्ड, विदाउट ग्लव्स, विदाउट हेलमेट। ओह हार्दिक स्लो मोशन में भागते हुए, सॉरी पता नहीं क्या कर रहे हैं, तोड़ने से भी बहुत ही बेहतर स्पीड रन की। ओह बहुत ही बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ रन आउट होते हुए, पेड़ की वजह से, पेड़ पर बॉल लग के अंश अरोड़ा के हाथ पे चलेगी। इसी के साथ पहली विकेट गवाते हुए हमारी टीम। ये रन आउट नहीं होना चाहिए था पर, लेकिन इस पेड़ के कारण रन आउट हो गया है। जा रहे हैं आपके इस बैटिंग पेयर आपके रिलेटेड, घुमा ही गई हैं और कुछ नहीं चल रहा है इनका, बस आइटम कोई, से है कोई स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी विकेट चाहिए बस आप देखिए। और ये हमारे व्लॉगर शुभम कौशल, बॉल शर्मा को, ओ आ गई भरावा, मैं हाले वीडियो नहीं बनाई सी, सॉरी। ओ बहुत ही बेहतरीन छक्का, सीधे ही बाहर गई है बॉल, बाहर
मींस बाहर। और बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा इस बंदे ने, देख लीजिए। ओ तेरी, सभी भागते हुए क्योंकि मैंने भी भागना है क्योंकि बॉल बाहर चल गई है और किसी के लाइन लग लुक गई है। सभी भागते हुए मैं भागना ही भूल गया। रन बाथरूम चलिए लुकन, मैं गाइस टॉयलेट में चल गया हूँ लुकने। टू आवर्स लेटर। और यहाँ पे हमारा कांड हो गया था काफी बड़ा हमारे बाहर, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। वहाँ पे लगी थी बॉल जी उनके शीशे पे और शीशा हो गया टूट, क्या बोल रहा हूँ, शीशा टूट गया। उसके बाद वो अंदर आ गए, उसके बाद हमारी काफी बहस बहुस हुई। मतलब वो बोल रहे 10,000 लगेंगे, फिर बी पे आ गए, फिर जैसे तैसे करके हमने 3 दिए और मना लिया। सो गाइज आप इस ग्राउंड को आखिरी बार देख लीजिए, मतलब कुछ देर तक तो हम यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे, कम से कम टेनिस से कभी देखेंगे। एंड कल ग्राउंड में मिलते हैं, मैच इतना ही कंटिन्यू हो पाया। और इसके साथ हम पैसा इकट्ठे करने के लिए एक दूसरे को बुला रहे, चंदा दे दो चंदा। और इस बंदे ने सजेशन दी थी हमें, कहता फाड़ फूट दे तो दे दो यार। वैसे इन्हें बहुत बढ़िया सजेशन दिता सी उस दिन, कहंदा इदा कवांगे भाई अप्पा किसे कोई कुछ मंदिर दा कुछ करवाना वा, कहंदे वो कर दे मंदिर ते लंगर लाना ते 3,000 कट्टे टू इस बंदे। ओ मेरा शदाई है, मेरा नाम शदाई है, मेरा नाम शदाई है।